ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, बढ़ेंगे आगे। और केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज आज जयपुर के दौरे पर हैं और आपको सीधा जयपुर ले चलते हैं, जहां पर माहेश्वरी पब्लिक स्कूल में वो बीजेपी के कार्यक्रम में मौजूद हैं। इच्छा शक्ति के कारण 33 करोड़ खाते खुले। उन्होंने पूछा ये ऑपरेशनलाइज कैसे हुए, जिसकी जेब में पैसा नहीं, आपने खाता खोल दिया, पासबुक दे दी, लेकिन वो पासबुक कहीं रख देगी, खाता खुला कैसे, ऑपरेशनलाइज कैसे हुआ, चालू कैसे हुआ? तो मैंने कहा कि सरकारी योजना से जो भी पैसा उस परिवार को मिलना है, उस व्यक्ति को मिलना है, चाहे वो बच्चे का स्कॉलरशिप हो, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे वो विधवा पेंशन हो, चाहे वो मनरेगा की मजदूरी हो, वो सारा पैसा सरकारी तिजोरी से निकलता है, उनके खाते में चला जाता है, इसलिए सारे खाते चालू हो गए। वो आवाज रह गई, हैरान रह गई। ये पहली योजना थी। अभी महिलाओं की ज्यादा उपस्थिति देख के बात कर रहे थे वोरा जी, महिलाओं की योजना की, उन्होंने उज्ज्वला की बात की कि 5.5 करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए। मैं कहना चाहूंगी उज्ज्वला केवल महिलाओं को गैस कनेक्शन देने वाली योजना नहीं है, उज्ज्वला महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक चलाई गई बहुत प्रभावी योजना है। कैसे? जिस महिला के घर में गैस कनेक्शन आया, पहले उसका आधा दिन केवल लकड़ी बीनने में जाता था, उसके समय की बचत हुई। उस लकड़ी के गट्ठर को वो सिर पर लाद कर लाती थी, बाल उड़ जाते थे, गंजी होती थी, गंजी होने से बची। लकड़ी के धुएं से उसकी आंख की रोशनी जा रही थी, वो अंधी होने से बची। और जो समय उसका बचा, उसमें अब वो कुछ ना कुछ अपनी रुचि के अनुसार कर रही है, चाहे पापड़ बढ़िया बना रही है, चाहे सिलाई बुनाई का काम कर रही है, और अपनी आमदनी को दुगना कर रही है। तो एक योजना महंगे गैस कनेक्शन देने से उसने महिला के समय को बचाया, उसे गंजी होने से बचाया, उसे अंधी होने से बचाया। और मैं आपको एक अपना उदाहरण बताती हूँ, अपना अनुभव। भोपाल में मेरे बंगले पर मेरे क्षेत्र के कार्यकर्त्री आई और आके हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, बोली दीदी अगली बार जब आप गांव में आना तो मेरे घर जरूर चाय पीने आना। तो मैंने हंस के बोला क्या बात, बहू आ गई? बोली नहीं, उज्ज्वला आ गई। तो मैंने कहा उज्ज्वला आने से क्या हुआ? बोली पहले हमेशा संकोच होता था आपको बुलाने में, चूल्हा कब जलेगा, कब चाय बनेगी, तो लगता था दीदी के पास इतना बकत ही कहाँ है कि मैं बैठा हूं। अब तो आप आइयो, 15 मिनट में फारग कर दूंगी, चाय बनेगी फटफट, चाय बनेगी फटफट। अब जब वो महिला बोल रही थी, मैं उसके चेहरे की तरफ देख रही थी, जो आंखों में चमक थी, जो चेहरे पे खुशी थी, वो देखते ही बन गई। इसलिए मैंने कहा कि उज्ज्वला योजना केवल गैस कनेक्शन की योजना नहीं है, उसने महिलाओं की जिंदगी बदल के रख दी है। एक और योजना आई, हम जिसे जच्चा कहते हैं, नवजात शिशु की माँ, अपने आप अपनी भाषा में अपन जच्चा कहते हैं, उसको 26 हफ्ते यानी 6 महीने की छुट्टी वेतन सहित देने का फैसला इस सरकार ने किया। 6 महीने वेतन सहित, ताकि अपने बच्चे को पाल सके। शुरू के 6 महीने बच्चे को माँ की जरूरत बहुत होती है, उसे माँ का दूध भी चाहिए, माँ की गोद भी चाहिए, माँ का लाड भी चाहिए, माँ का प्यार भी चाहिए, और उसी में उसको संस्कार मिलते हैं। मैं आपको हैरानी वाली बात बताती हूँ, प्रेसिडेंट ट्रंप की बेटी इवंका ट्रंप, पहले मुझे न्यूयॉर्क में मिली, उसके बाद हैदराबाद में आई, तो उन्होंने मुझे संदेश भेजा कि मैं आपसे दोबारा मिलना चाहती हूँ। वो वुमेन एम्पावरमेंट में काफी काम कर रही है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कुछ चीजें जानना चाहती हूँ जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा वुमेन एम्पावरमेंट में की गई है। तो मैंने उनको कहा कि हमने 26 वीक्स की छुट्टी न्यू बॉर्न की मदर को देने का काम किया है। तो एकदम बोली इज इट रियली, सेड यस। तो बोली एक्सेलेंसी आपको मालूम है मैं 6 हफ्ते की छुट्टी के लिए अपने देश में संघर्ष कर रही हूं, लेकिन अभी तक सफल नहीं हुआ। 6 हफ्ते, अमेरिका तो बहुत बड़ा विकसित राष्ट्र, 6 हफ्ते की छुट्टी के लिए महिला वहां संघर्ष कर रही है,
कि बच्चा होने के बाद मुझे 6 हफ्ते की छुट्टी आप दे दो। वो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने 26 हफ्ते की छुट्टी यानी 6 महीने, 6 हफ्ते बनाम 6 महीने, 6 महीने की छुट्टी वेतन सहित देने का ऐलान किया है। अभी SMSC दिवाली पे उपहार मिले 12 अपने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को। पहला उपहार देख के तो लोग चौंक गए होंगे, 59 मिनट में लोन, यानी 1 घंटे से 1 मिनट कम में लोन, और घर बैठे बैठे लोन। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करें और उस पर आप लिख दें कि मेरा ये GST नंबर है और ये इनकम टैक्स का नंबर है, तो 59 मिनट में, 1 घंटे से 1 मिनट कम में आपको लोन ग्रांट हो जाएगा। लेकिन उसमें भी मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ। विशेष तौर पर एक उपहार उन्होंने दिया कि मैंने सारे अपने मंत्रालयों को ये निर्देशित कर दिया है कि वो 25% माल केवल छोटे उद्योगों से लें, लेकिन उसमें से भी 3% माल केवल महिला उद्यमियों से लेना अनिवार्य कर दिया गया, महिला उद्योगों से लेना अनिवार्य कर दिया गया। तो मैंने भी कहा कि सोने पे सुहागे का काम हुआ जब केंद्र, क्योंकि चुनाव में समय कम होता है, अगर मैं गिनाने लगूं तो इतनी ज्यादा योजनाएं जो केंद्र सरकार, आप सब जानते हैं।